राम कुमार, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, आई वांटेड टू आस्क अबाउट जियो फाइनेंशियल। ओके, सो आई बॉट इट फॉर, आई बॉट 300 शेयर्स एट 248। ओके, शुड आई कंसीडर होल्डिंग इट और शुड आई हैव अ स्टॉप लॉस एंड कम आउट ऑफ इट एंड लुक एट इट लेटर ऑन। ओके ओके ओके, चलिए राम कुमार जी, आपको बेहतर तरीके से राय देने की कोशिश करते हैं। कुणाल, जियो फाइनेंशियल पे बताइए क्या नजरिया बन रहा है आगे के लिए। सी, इन्होंने जब आई थिंक हमारे व्यूअर ने जब पोजीशन बनाई थी, वो एक ऐसा वीक था जब इस काउंटर में बहुत ही अच्छी रैली हमने देखने मिली थी। इनफैक्ट ये काउंटर तभी 232 से लेके 250 तक गया था और उसके बाद ये काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में है। अगर हम लंबी अवधि के चार्ट की बात करें तो लिस्टिंग से लेके अब तक एक बहुत ही बड़ा मैसिव कर्व फॉर्मेशन बन रहा है और इस कर्व फॉर्मेशन की टिपिकल बिहेवियर ये देखने मिलती है कि इसमें ऐसे फॉल्स रैली बीच में बहुत सारी बार आते हैं। हमारे व्यूअर को यहाँ पे डेफिनेटली सलाह ये मिलेगी कि यहाँ पे आई थिंक एज ऑफ नाउ होल्ड करके रखें। काउंटर ऐसे लेवल पे है जहाँ पे इनफैक्ट नई बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस इस काउंटर में बनेगा 228 का। इनफैक्ट प्रेजेंट लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है और इस काउंटर में जैसे मोमेंटम शुरू होगा तो आई थिंक 265 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। सो फॉर टाइम बीइंग डेफिनेटली बने रहे। अगर कोई व्यूअर को बाय करना है इस प्रेजेंट लेवल पे तो डेफिनेटली ऐड भी कर सकते। ठीक है, जियो फाइनेंशियल मौजूदा स्तर पर आप और खरीद सकते हैं, ये है कुणाल की तरफ।